मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचे कांग्रेस सोनू गुर्जर ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही के सामने आंख से आंख मिलाकर डटे हुए हैं। वहीं मैं भी गांव-गांव जाकर लोगों को राहुल गांधी की न्याय यात्रा और किसानों के हित में कांग्रेस के वादे बता रहा हूँ। इसी के साथ ही पीएम मोदी तानाशाही को भी जनता के सामने रख रहा हूँ। सोनू गुर्जर ने कहा कि हमने जनता को बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव के 2 माह पूर्व कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में समर्थन मूल्य 2600 रुपये रखा था। वहीं भाजपा ने आनन फानन में ये मूल्य 2700 रुपये रखा था, लेकिन अब किसानों से समर्थन मूल्य पर धान नहीं खरीदी जा रही है। वहीं इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज मन ने कहा कि हमारी पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए इतने कार्य किए हैं कि अब कोई भी कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और 2700 रुपये समर्थन पर मंथन जारी है। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। देखिए, केंद्र की हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से गरीब कल्याण के काम कर रही है, उस वजह से सभी गरीब मजदूर और पूरे देशवासियों में सरकार के प्रति बहुत सकारात्मक नजरिया है और इसी कारण से कांग्रेस आज हताशा की स्थिति में, और मोदी जी की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस में प्रत्याशी भी टिकट लेने को भी कतरा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से और देश में बड़े मार्जिन से जीतने की स्थिति में पहुंच रही है, इससे हमें स्पष्ट होता है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उसमें मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ कि खंडवा लोकसभा से मैं तैयारी करूँ। लगातार मैं बेटा बनकर हर परिवार जन के बीच में जाने की कोशिश करूँ, और आज मैंने वही किया। बुरहानपुर आया था, आस पास के गाँवों में लोगों से मिलने का मुझे काफी दिनों से निमंत्रण था कि सोनू भाई आप तैयारी कर रहे हैं, आप आओ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरी यात्रा है आपका बेटा आपके, तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा परिवारजन से जुड़ूं और अपनी बात करूँ। राहुल जी की यात्रा न्याय यात्रा चल रही है, उनके बारे में गांव गांव जाकर बात करूँ कि राहुल जी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार से जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो एक अद्भुत है। गांव में उनकी बात करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी की नीति बताता हूँ, और जो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जिन्होंने अपने 2023 के चुनाव में समर्थन मूल्य 2600 रुपये रखा था किसानों के,